फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 9, जो हमारा एक और लेक्चर होगा मिसलिनियस क्वेश्चन के ऊपर। इसमें हम 15 के लगभग क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ए मैन कवर्स 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। अपने को टोटल ये टाइम दे रखा है। ही आल्सो कवर्स 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 87 डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यानी अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत करवा चुका हूँ टाइप 3 क्वेश्चन के अंदर। तो देखो 39 अपस्ट्रीम और 116 डाउनस्ट्रीम, तो 116 अपॉन में डाउन स्ट्रीम की स्पीड हम क्या मानते हैं, एक्स प्लस में वाई मानते हैं। और 29 की स्पीड, 39 है ये, 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि इस स्पीड से टोटल टाइम कितना लगेगा आपको, 7 आवर्स। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे यहाँ से, 87 डाउन स्ट्रीम यानी कि 87 अपॉन में एक्स प्लस वाई, और प्लस 65 क्या है अपस्ट्रीम, तो 65 क्या है अपस्ट्रीम, एक्स माइनस वाई, और कितने घंटों में, 8 घंटों में। अब आपको क्या करनी होती है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको एक एक इक्वेशन देख लो। देखो ये 29 की टेबल में ये 3 पे कटेगा, ये 4 पे कटेगा, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, और दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देना, माइनस कर देना। माइनस करोगे तो बताओ ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका ये 117, और इसको 4 से करोगे तो कितना आएगा आपका 260 अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका कितना आ गया, माइनस का 11। तो यहाँ से आप आसानी से एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कितनी आ गई, माइनस के 143 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 11। तो माइनस से माइनस कटेगा, एक्स माइनस वाई कितना आएगा आपका 13। अब एक्स माइनस वाई 13 आ गया, तो आप मेरे को बताओ इस इक्वेशन में एक्स माइनस वाई को 13 पुट करोगे, इसको 13, तो ये 3 पे कटेगा और ये 3 इधर आके माइनस होएगा 4, और ये 4 से ये 29 बार कट जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई आप डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, 29। और आपको तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कैसे निकालते थे, इन दोनों को ऐड करके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड, यानी कि 21 किलोमीटर पर आर इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हम काफ़ी कर चुके हैं। अब ये देखो, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए वाटर क्राफ्ट, चाहे वाटर क्राफ्ट हो चाहे बोट लिखते हैं, सबका एक ही मतलब है, गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 19 आवर्स। मतलब कि वो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करती है 19 घंटों में। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 23 आवर्स। यानी कि एक डिस्टेंस है फिक्स, मान लो यहाँ ए से लेके बी तक, ये अगर डाउन स्ट्रीम जाती है और अपस्ट्रीम, तो टाइम कितना कितना लेती है अपने को दे रखा है। ये कितना है 19 आवर्स में कवर करती है, और ये कितने आवर्स में कवर करती है, 23 आवर में। टाइम का रेशियो ये है, तो स्पीड का रेशियो आप मेरे को बता दो, 23 और 19 हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। इफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, वाई, वाई की वैल्यू आपको गिवन है और आपको बतानी है डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है। आप मेरे को ये बता दो, यहाँ टी और यू का रेशियो गिवन है, तो आप एक्स और वाई का रेशियो निकाल सकते हैं ना बहुत आसानी से, कितना आएगा बताओ। एक्स क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के टू से क्या करते हैं, डिवाइड। या फिर आप ऐसा करो, रेशियो क्यों निकालते हो, सीधी वाई की वैल्यू निकाल लो। वाई क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, तो यानी कि कितना आ गया आपका 2 रेशो, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 2 ही है बाय चांस, ठीक है, 2 की वैल्यू 2 ही है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इस 23 की वैल्यू कितनी होगी, 23 ही होगी, ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू 1। मैं ये कह रहा हूँ कि इस स्पीड से ट्रेवल करने में 19 घंटे लगते हैं, तो डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, स्पीड इंटू में टाइम, तो कितना आएगा आपका 437 किलोमीटर। चाहे आप ये कह लो, चाहे आप ये कह लो कि 19 की स्पीड से ट्रेवल करने में 23 घंटे लगते हैं, तब भी तो 23 गुना 19 ही करोगे ना, एक ही बात है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले मैं इसको आपको सारा बेसिक बताता हूँ इस क्वेश्चन का, और फिर इस क्वेश्चन के ऊपर या इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप ये कह लो, जितने भी तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आपको सारे का शॉर्टकट बताऊंगा कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आप आंसर तुरंत दे दोगे, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में पहले पढ़ो कि गिवन क्या है, पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। प्रियंका अपनी नाव में जा रही थी, अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी। मतलब कि ऐसे हुआ, देखो प्रियंका ने मान लो यहाँ ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और चलती गई चलती गई चलती गई, यहाँ पे आके उसकी कैप जो उसने हैट पहन रखी थी वो उड़ गई, हवा से उड़ गई, लेकिन प्रियंका को पता नहीं लगा और वो ऐसे ऐसे जा रही थी, आगे आगे चलती रही, लेकिन
टोपी उड़ गई। अच्छा, अब टोपी उड़ेगी और नदी के अंदर है, तो नदी के अंदर वो पानी, जिधर पानी बह रहा है उधर टोपी बहना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि टोपी की खुद की कोई स्पीड नहीं होती। मान लो पानी इधर बह रहा है, ठीक है, पानी क्या है इधर बह रहा है, तो टोपी भी इधर बहना स्टार्ट कर देगी। तो ये है डाउन स्ट्रीम, और ये क्या है आपकी अप स्ट्रीम, यानी कि प्रियंका कौन सी दिशा में जा रही थी, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में वो जा रही थी, धारा के अगेंस्ट जा रही थी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, नाव धारा के विरुद्ध 12 मिनट और चलती रही, यानी कि जब प्रियंका को पता लगा ना, तो उसके यानी कि जैसे ही उसकी टोपी उड़ी उसको तुरंत पता नहीं लगा, उसको 12 मिनट के बाद पता लगा, मतलब 12 मिनट तो वो बेचारी चलती रही, ये अपस्ट्रीम चलती रही, वो कितने 12 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद पता लगा कि मेरी कैप तो उड़ गई। तो जैसे ही उसको पता लगा वो यहाँ इसी पॉइंट से तुरंत वापस मुड़ी, और वापस मुड़ते ही उसने इस पॉइंट पे जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था ना, यहाँ आके उसने अपनी टोपी को पकड़ लिया, ठीक है, यानी कि ये टोपी की जो डिस्टेंस है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। उसने नाव को घुमाया और उसने जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ पर टोपी को पकड़ लिया। अगर टोपी शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर दूरी पर उड़ी थी, यानी कि टोपी जाकर जहाँ पे उड़ी थी ना इस पॉइंट पे, वो उसकी डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी थी, 3 किलोमीटर। तो पानी की चाल ज्ञात करो, ठीक है, आप समझ गए। अब मैं इसको बताता हूँ पहले आपको बेसिक बेसिक मेथड से, कि बेसिक इसका क्या है, लेकिन आपको फिर क्या बताऊँगा मैं, शॉर्टकट बताऊँगा। देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर, यहाँ पे आके टोपी उड़ी, जैसे ही उसकी टोपी उड़ी तो प्रियंका अप स्ट्रीम चलती रही कितने मिनट तक बताओ, 12 मिनट तक। और फिर ये कहती है इसने अपनी नाव घुमाई और घुमा के इधर वापस चलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फिर ये डाउन स्ट्रीम चलेगी ना, पहले अप स्ट्रीम था, तो अब क्या होगा, ये इधर डाउन स्ट्रीम, और ये कितने टाइम तक चली हमारे को ये नहीं पता, लेकिन ये पता है इसने कैप को कहाँ पे आके पकड़ा, जहाँ से इसने स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट किया था। तो मैं ये मान लेता हूँ इसने यहाँ पे क्या है टी टाइम लिया, टी मिनट्स, मिनट्स मान लेता हूँ मैं, ठीक है, इसने यहाँ पे आने में टी टाइम लिया। तो अब मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ कि इसकी टी की वैल्यू क्या है। भाई टी की वैल्यू अगर आपको पता लगी ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका सोल्व। क्यों हो जाएगा सोल्व, देखो प्रियंका ने 12 मिनट तो यहाँ पे चला, 12 मिनट तो यहाँ पे चला, और फिर 3 मिनट यहाँ पे चला, यहाँ से आने में यहाँ पर। तो कहने का मतलब कैप तो यहीं उड़ गई थी ना, कैप यहीं उड़ गई, कैप ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसमें उसको टाइम कितना लगा। आप कहोगे सर इस 3 किलोमीटर को ट्रेवल करने में, देखो पहले आपके माइंड में प्रोसीजर होना चाहिए कि आप निकाल क्यों रहे हो जो चीज़ आप निकालना चाहते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ 12 मिनट तो इसको ये लग गए, क्योंकि प्रियंका गई तो कैप भी तो टाइम लगी ना उतना 12, और 3 मिनट इसको वापसी आने में लगा, तो कैप इतने टाइम में 12 + t टाइम में ये सिर्फ 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर पाई है। और कैप की खुद की स्पीड तो होती नहीं, जो भी स्पीड होगी वो किसकी होगी, वोटर की होगी, तो इससे अपने क्या आ जाएगा, वोटर की स्पीड आएगा। तो मैं ये निकालना चाहता हूँ कि ये टी की वैल्यू कितनी आएगी, बस, और मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। आप बताओ मेरे को ए बी जो डिस्टेंस है, अगर मैं निकालूँ ए बी, ए बी कितना है 3 किलोमीटर, अगर आप डिस्टेंस निकालें तो क्या करते हैं, स्पीड इंटू टाइम करते हैं। स्पीड, स्पीड तो अपने को देखो इसकी पता ही नहीं है कितनी है स्पीड, जो है हम अगर ये माने कि ये जो ए बी डिस्टेंस ट्रेवल करी है ये किसने ट्रेवल करी है बताओ, हेड ने, और हेड की खुद की स्पीड नहीं होती, तो किसकी स्पीड हम काउंट करेंगे, पानी की, और पानी की स्पीड को हम क्या मानते हैं, वाई, ठीक है, ये हो गया। टाइम कितना लिया है टोटल बताओ इसने, 12 ऐसे और टी ऐसे, तो मतलब 12 + t, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई अपनी कितनी, 12y + में कितनी आ गई अपनी, टी वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। देखो मैं ये बेसिक बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको अगर प्रूव करना पड़ जाए ये क्वेश्चन तो आपको आसानी हो, लेकिन पेपर के लिए मैं आपको बताऊंगा कि 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है, ठीक है। तो बेसिक जिसको जितना समझ आता है उतना समझ लेना, लेकिन मैं 100% कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देखो ए बी डिस्टेंस किसने ट्रेवल करी, आप कहोगे सर कैप ने, कैप की तो कोई स्पीड होती नहीं, मतलब कि वाटर की स्पीड होगी, और वाटर की स्पीड को हम क्या मानते हैं, वाई। टाइम कितना लिया टोटल, 12 मिनट प्रियंका यहाँ से यहाँ तक गई और टी मिनट में वापस आई, तो मतलब टोटल 12 + t मिनट में कैप ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, लिख दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं निकालूंगा क्या बी सी, अब बताओ मेरे को बी सी, बी सी डिस्टेंस ट्रेवल करी है अप स्ट्रीम 12 मिनट में, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू 12, तो कितनी आ गई है 12x - k 12y। अब मेरे को बता दो ए सी, ए सी क्या है फिर बताओ, डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करी है टी मिनट में, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब एक्स प्लस वाई होगी स्पीड, टाइम कितना है बताओ टी, तो ये कितना आ गया आपका टी एक्स, और प्लस में टी वाई। अब मेरे को बताओ क्यू
क्या ए बी प्लस में बी सी को जोड़ने से ए सी आ रहा है? आप कहोगे जी बिल्कुल आ रहा है, तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। देखो इन दोनों को जोड़ो, कितना आ गया आपका 12y प्लस में टी वाई प्लस में 12x माइनस के 12y इक्वल टू, इन दोनों के इक्वल कितना आ गया ये टी एक्स प्लस में टी वाई। अब देखो जो कैंसिल होता है उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो, ये 12y कट गया ये टी वाई कट गया है ना, तो कितना आ गया 12x इक्वल टू टी एक्स, टी एक्स से एक्स कट गया, टी कितना आ गया 12। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे से आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा डायग्राम बना आ जाए ना, तो बस जितना टाइम इसको जाने में लगा था ना ये 12, उतना ही टाइम इसको वापस आने में लगेगा, लेकिन कोई रट्टा नहीं है, मैंने सारी चीज़ प्रूव करके बता दी, ठीक है। इसका मतलब ये है पानी को 3 किलोमीटर चलने में 12 ये और 12 ये टोटल कितना टाइम लग गया, 24 मिनट। 24 मिनट का मतलब क्या होता है, 24/60 आवर्स। तो आप स्पीड कैसे निकालते हो बता दो मेरे को, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 60 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 12, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो पानी की स्पीड कितनी है, 7.5 किलोमीटर पर आवर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने प्रूव आपको क्या किया कि जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा है ना, वापस डाउन स्ट्रीम आने में उतना ही टाइम लगेगा 100%। तो आपको सिर्फ क्या करना है पेपर में कि ये जो डिस्टेंस है ना इसको टाइम से डिवाइड कर देना, टाइम कितना इसका डबल, 12 का डबल कितना होता है 24, ये तो मिनट है। आर बनाने हैं तो क्या कर दो, 60 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये कितना आएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब आप समझ गए। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये वही तो है कि 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे टोपी जाके उड़ी, तो पानी की आपको क्या बतानी है चाल। तो अब पेपर के अंदर आपको सिर्फ क्या लिखना है, स्पीड ऑफ वाटर यानी पानी की चाल, डिस्टेंस कितनी 3 किलोमीटर, और प्रियंका ने कितनी देर ट्रेवल किया था 12 मिनट, 12 का क्या कर दो डबल और अपॉन में क्या कर दो 60, आंसर कितना आएगा आपका 7.5 किलोमीटर पर आवर। अगर ये इंग्लिश वाली लैंग्वेज आपको छोटी लग रही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो ये है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फर्क क्या है, वहाँ पे डिस्टेंस कैप ने 3 किलोमीटर ट्रेवल करी थी और यहाँ पे 2 किलोमीटर ट्रेवल करी है, ठीक है, बिल्कुल सेम वही लैंग्वेज है। 12 मिनट तक वो चलती रही और उसने कैप को पकड़ लिया, 2 किलोमीटर आगे वो कैप उड़ चुकी थी, ठीक है। तो इसमें आपको बतानी है स्पीड ऑफ द वाटर, हमेशा आपसे वाटर की स्पीड ही पूछी जाएगी, ठीक है, बोट की स्पीड आप इस क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते। तो बताओ मेरे को स्पीड ऑफ वाटर क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड ऑफ वाटर ये कितनी हो जाएगी आपकी, देखो 2 किलोमीटर, टाइम कितना है 12, 12 दूनी 24 और ऊपर क्या कर दो 60, तो ये कितना आएगा आपका 120, 120 को 24 से भाग करोगे 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल अलग आपको मिलेगी, आपको समझ ही नहीं आएगा अगर पहली बार पेपर में ये क्वेश्चन आ गया कि हम इसको अप्रोच कैसे करें। लेकिन अब आपको मैं शॉर्टकट तो इसका समझाऊं समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट यही है बिल्कुल, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी ध्यान रहता तो भी बेसिक मेथड से आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो। देखो क्या कहता है, ए स्विमर स्विम्स फॉर ए फ्रॉम ए पॉइंट ए अगेंस्ट द करंट फॉर 5 मिनट, यानी कि ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट है, ठीक है, इसने क्या किया, इस अगेंस्ट अगेंस्ट का मतलब अपस्ट्रीम ट्रेवल किया इसने 5 मिनट तक, तो मान लो अपस्ट्रीम ट्रेवल करते करते ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, अपस्ट्रीम इसने ट्रेवल किया है 5 मिनट तक। मैं वही डायग्राम बनाना चाहता हूँ जो अभी मैंने आपको समझाया पीछे, एंड देन स्विम्स बैकवर्ड, और यहाँ से क्या फिर यहाँ तक इसने तैरा और फिर तैरते तैरते इस पॉइंट पे पहुंच के ये क्या कर गया, वापस मुड़ गया इन फेवर ऑफ द करंट, मतलब धारा की दिशा में, क्योंकि यहाँ पे अगर अपस्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे क्या ट्रेवल करेगा, डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करेगा, ये क्या करेगा डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करेगा, कितनी मिनट तक 5 मिनट तक, तो ये टाइम भी कितना है आपका 5 मिनट तक, एंड फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट एंड कम्स टू द पॉइंट बी, और ये चलता चलता बी पॉइंट पे पहुंच गया। अब आप कहोगे सर आप इस पॉइंट को बी मान रहे हो, लेकिन क्यों मान रहे हो, ये बी आपने यहाँ बीच में क्यों नहीं लिया, ये यहाँ क्यों नहीं लिया, मैं कहता हूँ ये यहाँ तक चला किससे, अपस्ट्रीम से 5 मिनट में, और यहाँ पे भी 5 मिनट में चला, तो आप मेरे को ये बता दो कि अपस्ट्रीम में डिस्टेंस ये ज़्यादा ट्रेवल करेगा या डाउन स्ट्रीम में। आप कहोगे जी डाउन स्ट्रीम में, तो यानी कि अपस्ट्रीम में 5 मिनट में सिर्फ इतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी थी, तो डाउन स्ट्रीम में इससे तो ज़्यादा ही करेगा, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को इधर लिया, ठीक है। और ये ए बी कितनी है 100, ये कितनी आपको दे रखी है 100 मीटर दे रखी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब आप मेरे को ये बता दो ये डायग्राम बिल्कुल एज इट इज पीछे वाला नहीं है क्या, बिल्कुल सेम, वहां पे हमने प्रूव किया था कि ये दोनों टाइम क्या होते हैं इक्वल, और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है ये इक्वल, ठीक है। तो अगर
डायरेक्ट में वो मेथड लगाऊं तो आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी है, स्पीड ऑफ करंट, तो क्या मैं नहीं निकाल सकता बहुत आसानी से? क्या बताया था मैंने, ये जो 100 मीटर है इसको क्या बना लो, किलोमीटर बना लो, और डिवाइड कर दो किससे, टाइम। टाइम कितना, 5, और 5 कितना, 10। 10 मिनट्स है, ये क्या होगा आपका 10, ये इतने आवर्स बन जाएंगे, ठीक है। बस अब आप सोल्व कर लो, 1/10 इनटू में क्या होएगा, ये फिर आपका 6 हो जाएगा ना, 6/10 कितना होता है, 0.6, 0.6 किलोमीटर पर आवर, इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट, डायग्राम मैंने आपको बना के बता दिया और आपको ये समझ आ गई चीज़, ठीक है। लेकिन अगर मान लो नहीं रहता ये कॉन्सेप्ट याद, पेपर में अगर नया क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे, ये पॉइंट था बी, ये ए, इसको मान लेता हूँ मैं सी, ठीक है, ये मान लिया। ये डिस्टेंस कितनी आपकी, 100 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने ट्रेवल किया अप स्ट्रीम में 5 मिनट तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रेवल किया डाउन स्ट्रीम में 5 मिनट तक। अब मैं बिल्कुल आपको बेसिक मेथड से बताता हूँ कि ये क्वेश्चन हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो अब आप ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, पहले मैं ए बी निकाल रहा हूँ, ठीक है। ए बी, ए बी निकालो ही मत, पहले आप ए सी निकाल लो सीधा, ए बी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ए बी इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और अब मैं निकालता हूँ क्या, ए सी, ए सी निकालो आप, ए सी देखो, स्पीड इंटू टाइम, जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला लगा दिया करो। अच्छा देखो, ये ए सी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई इंटू टाइम 5 मिनट, आप 5 मिनट के घंटे तो बना ही सकते हो, 5/60, ठीक है, ये आ गया। फिर आप बताओ बी सी, बी सी कितने निकालोगे, आप कहोगे सर बी सी डाउन स्ट्रीम है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी आपकी बार डाउन स्ट्रीम, टाइम वही 5 मिनट्स, ठीक है। अब अगर आप पूरी बी सी में से ये ए सी माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी आपकी ए बी, यानी कि ए बी का मैं लिख सकता हूँ क्या, बी सी माइनस ए सी, और ए बी तो कहोगे सर आप 100 मीटर है, लेकिन मैं कहता हूँ इसको किलोमीटर में बना लो, ये आ गई बी सी, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो इसको घंटे बनाया तो मैं इसको क्या बनाऊँगा, किलोमीटर बनाऊँगा, ताकि मेरी जो स्पीड आए वो डायरेक्ट जो आएगी वो किस में आएगी, किलोमीटर पर आर में, कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। बी सी कितनी है देखो, 5/60 इंटू एक्स प्लस वाई, और ए सी कितनी है, 5/60 इंटू एक्स माइनस वाई, हो गया क्वेश्चन सोल्व। देखो 5/60 कॉमन ले लो यहाँ से, ये दोनों आपस में माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, 2y, तो कितना आ गया ये बताओ, 5/30y आ गया ना, 5/30y, और ये कितना आ गया आपका, 1/10, तो कितना आ गया आपका, 5y/30 इक्वल टू 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 50y इक्वल टू 30, वाई कितना आ गया आपका, 30/50, यानी कि 3/5, यानी कि 6/10, और 6/10 क्या होता है आपका, 0.6, तो आंसर कितना आ गया आपका, 0.6 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने बेसिक मेथड से भी ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दिया, लेकिन एग्जाम में जैसे ही ये डायग्राम बना लो ना, बस उसके बाद आपका डायरेक्ट आंसर दे दो, ठीक है। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी डाटा के अंदर चेंज है, वो कैसे, देखो ए बोट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, मतलब कि वो पी से स्टार्ट होती है और क्यू तक उसने जाना है डाउन स्ट्रीम, अब की बार उसने पहले डाउन स्ट्रीम जाना है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया ना, पहले वो अप स्ट्रीम जाती है और वापसी में डाउन स्ट्रीम आती है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखो पहले डाउन स्ट्रीम जाएगी एंड 15 मिनट्स रीच डेट क्यू, और 15 मिनट के बाद वो क्यू तक पहुंच गई और फिर वो वापस मुड़ी अप स्ट्रीम, वापस आएगी तो किस में आएगी, अप स्ट्रीम में आएगी, और फिर 15 मिनट के बाद एक पॉइंट आर पे पहुंच गई, और पी और आर की डिस्टेंस दे रखी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आपको हमेशा ही पूछा जाएगा कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ, डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, इसने क्या किया पी से लेके क्यू तक ये चली डाउन स्ट्रीम, कितने मिनट तक बताओ मेरे को, 15 मिनट तक, ठीक है, और फिर क्यू से वापस मुड़ी, वापस जब मुड़ेगी तो ये अपस्ट्रीम आएगी, तो अपस्ट्रीम में आप मेरे को ये बता दो कि इस डाउन स्ट्रीम वाले डिस्टेंस से तो कम ट्रेवल कर पाएगी ना ये, तो ये यहाँ तक पहुँच पाई सिर्फ आर पॉइंट तक, ठीक है, आर, और सच दैट पी आर कितना आपका, 2 किलोमीटर है। आपको बतानी है पानी की स्पीड, वाटर की स्पीड, आप मेरे को बता दो, ये तो वही बिल्कुल सेम एज इट इज डायग्राम आपको नजर आ रहा है, तो स्पीड ऑफ वाटर अगर आपसे कहे कि डायरेक्ट बताओ तो कितनी बताओगे आप, डिस्टेंस कितनी 2 किलोमीटर, टाइम कितना 15 और 15, 30 मिनट, तो कितना आएगा आपका बताओ, यानी 30 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि बेसिक मेथड से भी सीखो आप इसको, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है उससे। ये पॉइंट क्या था देखो आपका, पी क्यू, पी और ये पॉइंट क्या है क्यू, और ये पॉइंट क्या है आर, ये डिस्टेंस कितनी आपकी
2 किलोमीटर। इसने क्या कहा आपको कि यहाँ से यहाँ तक गई, सॉरी पी से लेके क्यू तक गई कितने मिनट तक, 15 मिनट तक डाउन स्ट्रीम स्पीड में, और फिर ये वापस आई यहाँ से लेके यहाँ तक अपस्ट्रीम स्पीड में, लेकिन टाइम वही कितना, 15 मिनट। तो अब मैं फिर से वही उसी तरह से निकाल रहा हूँ, पहले आर क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। आर क्यू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। आर क्यू इसने जो ट्रेवल किया वो देखो अपस्ट्रीम ट्रेवल किया ना, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या मानते हैं हम, एक्स माइनस वाई, और कितनी मिनट, 15 मिनट, 15/60 लिख दूँ इसको, ठीक है। यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ 1/4 इंटू एक्स माइनस वाई, ये लिख दिया। अब आप मेरे को बताओ क्या लिखें। अब आप कहोगे सर ये निकाल लो, आप पी क्यू निकाल लो, पी क्यू की जो आपको वैल्यू है वो स्पीड इंटू टाइम। अब की बार स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम यानी एक्स प्लस में वाई, और टाइम वही 15 मिनट यानी कि 1/4। ये दो इक्वेशन आ गई। अब मैं यहाँ से अगर पी आर की वैल्यू आपसे पूछूँ कि सिर्फ मेरे को पी आर बता दो, आप आराम से बता सकते हो। पी आर क्या होता है बताओ, पी क्यू माइनस में क्यू आर, यानी कि 2 इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू कितना, 1/4 इंटू एक्स प्लस वाई। क्यू आर कितना, 1/4 इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ से 1/4 कॉमन लोगे 2y आएगा यानी कि y बाय 2, तो यहाँ से y कितना आएगा बताओ, 4। और यही मेरे को निकालना था 4 किलोमीटर पर आर। तो मैं कहता हूँ बेसिक मैथ आपको आएगा ना, तो आपको मैथमेटिक्स इतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना अब तक लगता है, ठीक है। वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है कि पेपर में कुछ भी याद नहीं रहा और आपके पास टाइम है तो एटलीस्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप सही निकाल ही दोगे, ठीक है, ये तो फिक्स है। अब आप देखो, अब कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ये इंग्लिश मीडियम के अंदर है, लेकिन कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी। मैं साथ साथ में हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें कहता है आपको कि ए बोट कैन ट्रेवल 3.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 14 मिनट, यानी कि अपस्ट्रीम डायरेक्शन में अगर वो 14 मिनट में 3.5 किलोमीटर जाती है, तो मैं यहाँ से अपस्ट्रीम की स्पीड बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। कैसे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और 60 क्या कर दो, ऊपर कर दो, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 35 इंटू 6/14, 7 पे काटोगे तो ये 5 6 30 15, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड मैं कह सकता हूँ कितनी, 15 किलोमीटर पर आर। इफ़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में जो नाव की चाल है, एक्स टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि वाई उनका रेशियो, यानी आपको कहते हैं नाव की शांत जल में चाल और पानी की चाल का अनुपात कितना है, 7:2, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है आपको, रेशियो दे रखा है 7:2। देन इन हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में ये बोट कितना टाइम लेगी। तो आपको बस डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है ना। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलेगी, एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है और आपको यू की वैल्यू गिवन है। यू हम कैसे निकालते थे, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 यानी कि 5/2। 5/2 रेशियो की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, तो बताओ 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि कितना आएगा 3 6। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। 1 की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ से डी बताना कितना आएगा आपका, 9/2 आएगा ना। 9/2 रेशियो कितना आएगा, 9/2 इंटू 6 यानी कि 27 किलोमीटर पर आर। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपकी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो कितनी है, 27 किलोमीटर पर आर है। आपको जाना कितना है, 36 किलोमीटर। टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो कितना आएगा, 4/3 यानी कि 1/3 आवर्स, इतना टाइम आपको लग जाएगा, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट आपका यूज होएगा एवरेज स्पीड का, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन में 3 4 अब आपको कराऊंगा इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में, कि एवरेज स्पीड के ऊपर बोट एंड स्ट्रीम के अंदर जो है ना कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आप स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहता है, देर इज ए रोड बिसाइड ए रिवर, बिसाइड का मतलब क्या होता है, उसके साथ साथ में, यानी कि एक नदी चल रही है और उसके साथ साथ में क्या चल रहा है, एक रोड भी चल रहा है। टू फ्रेंड्स स्टार्टेड फ्रॉम ए प्लेस ए, मूव्ड टू ए टेम्पल सिचुएटेड एट अनदर प्लेस बी, यानी कि आपको ये कह रखा है क्वेश्चन में कि ये दो मित्र है जो यहाँ से चलना स्टार्ट हुए और यहाँ पे एक मंदिर है, दोनों ने इस मंदिर पे जाना है, ठीक है। एंड देन रिटर्न टू ए अगेन, पहले वापस, पहले जाएंगे ये दोनों के दोनों फ्रेंड, पहले क्या होंगे, इधर जाएंगे और फिर वापस आएंगे अपने इसी जगह पे। वन ऑफ देम मूव्स ऑन साइकिल एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आर, मतलब मैं ये कहता हूँ एक फ्रेंड का नाम है F1, F1 जो है ना साइकिल पे जाता है और उसकी स्पीड कितनी है बता दो, 6 किलोमीटर पर आर। और दूसरा फ्रेंड क्या है, एंड वाइल द अदर सेल्स ऑन ए बोट, ये बोट पे जाता है, यानी कि फ्रेंड F2 है ना, ये
नाव में जाता है और इसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। नाव की स्पीड क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे। उसमें कहता है इफ़ द रिवर फ्लोज एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये आपको धारा की चाल दे रखी है, जो पानी है ना, पानी इस रेट से फ्लो रहा है, और पानी की स्पीड को हम हमेशा किससे डिनोट करते थे, वाई से। तो वाई की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 6 किलोमीटर पर आवर। विच ऑफ द टू फ्रेंड्स विल रिटर्न टू प्लेस ए फर्स्ट, यानी कि देखो फ्रेंड ए यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक वापस आएंगे दोनों के दोनों। कहता है कौन सा फ्रेंड वापस जल्दी आ जाएगा यहाँ पे, आप मेरे को ये बता दो। पूरी जर्नी के दौरान जिस फ्रेंड की एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी वही फ्रेंड वापस आ जाएगा, है ना। बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, जिस फ्रेंड की एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी, एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी वही फ्रेंड ए पर जल्दी वापस आएगा। बस ये तो अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा कि हाँ ये आप सही कह रहे हो, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो जल्दी वापस आएगा। लेकिन यहाँ पे स्पीड सिर्फ आने आने वाली या जाने जाने वाली मैटर नहीं करती, यहाँ पे आने और जाने दोनों की स्पीड मैटर करती है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, जिसकी एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी वो ए पॉइंट पर जल्दी वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं निकाल लेता हूँ एवरेज स्पीड दोनों पर्सन की। एवरेज स्पीड आप दोनों पर्सन की निकालो, यहाँ पे F1 की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे फ्रेंड टू की बात करता हूँ। F1 मेरे को ये बताओ, जाते वक्त इसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, मतलब मैं मान रहा हूँ कि जाते वक्त ये डाउन स्ट्रीम जाते हैं और वापस आते वक्त ये क्या आते हैं, अपस्ट्रीम, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत आते हैं। आप मेरे को बता दो इसकी खुद की स्पीड कितनी है, 6, और धारा की स्पीड कितनी है, 6। तो जाते हुए इसकी स्पीड यानी कि 6 + 6 हो जाएगी 12, और वापस आते हुए कितनी होगी, फिर वापस आते हुए देखो धारा की स्पीड आपको दे रखी है, रिवर फ्लोज और साइकिलिंग, साइकिल पे जाता है ये। इस क्वेश्चन में कुछ और आपको क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये तो क्या है आपकी 6 किलोमीटर पर आर है और वापस आएगा, तो धारा की स्पीड है इसकी 6 किलोमीटर पर आर, तो फिर ऐसे कैसे होगा। ए मूव टू ए टेम्पल सिचुएटेड अनदर प्लेस एट बी एंड देन रिटर्न टू ए अगेन, वन ऑफ देम मूव्स ऑन साइकिल एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आर व्हाइल द अदर सेल्स ऑन बोट एट दिस स्पीड। इफ द रिवर फ्लोज एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आर विच ऑफ द टू फ्रेंड्स विल रिटर्न टू प्लेस ए फर्स्ट, दोनों में से कौन जो है प्लेस ए पे वापस दौड़ के आएगा। सॉरी, रियली सॉरी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पानी के अंदर तो स्पीड मैटर करेगी सिर्फ किसकी, बोट की। ये तो साइकिल पे जा रहा है ना, तो साइकिल जो वाला फ्रेंड है वो तो रोड पे चल रहा है, तो रोड पे चल रहा है तो वापस आने में उसकी स्पीड में उसका बोट का कोई योगदान नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए रियली सॉरी, यहाँ पे ये आपकी स्पीड जाते हुए भी 6 और आते हुए भी कितनी, 6, एवरेज स्पीड कितनी होगी इसकी, तो 6 ही होगी। कहने का मतलब ये तो साइकिल पे जा रहा है तो साइकिल की स्पीड तो कॉन्स्टेंट रहेगी थ्रू आउट द जर्नी, कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो फ्रेंड टू बोट से जा रहे हैं ना, उसकी स्पीड पर फर्क पड़ेगा। जाते हुए तो इसकी स्पीड कितनी होगी बताओ, 8 + 6 होगी यानी कि 14, वापस आते हुए 8 - 6 यानी कि कितनी होगी, 2। अब इसकी एवरेज स्पीड निकालो क्या होगी बताओ, 2xy / x + y, 2xy / में क्या आएगी आपका, x + y, तो ये कितना आ जाएगा आपका, देख लो बस, ये 2 × 4, 4 × 4 = 16 यानी कि 7/2 यानी कि 3.5 किलोमीटर पर आर। तो मेरे कहने का मतलब है ये पूरी जर्नी इस स्पीड से ट्रेवल करेगा, ये इस स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो कौन पहले पहुंचेगा, ये वाला फ्रेंड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फ्रेंड विल रीच टू ए फर्स्ट, यानी कि जो पहला फ्रेंड है वो ए पर वापस जो है ना जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि पहला फ्रेंड साइकिल पे जा रहा है, साइकिल की तो जाते वक्त भी स्पीड 6 है और आते वक्त भी स्पीड 6 है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं, बस इसको देखना है। जाते वक्त 8 + 6 = 14 और आते वक्त 8 - 6 = 2, और 14 और 2 की एवरेज स्पीड कितनी आएगी आपकी, 3.5। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन हटके क्वेश्चन था बाकी क्वेश्चन से, ठीक। इसलिए ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो एटलीस्ट आप सोच पाओगे कि इस तरह के क्वेश्चन को किस अप्रोच से हम सोल्व करेंगे। अब ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है आपसे कि एट हिज यूजुअल रोइंग रेट, रो क्या होता है, तैरना, है ना, यानी कि अगर एक बंदा अपनी यूजुअल स्पीड से तैरता रहे, कोई भी चेंजिंग उसमें ना करे, ही कैन ट्रेवल, या राहुल कैन ट्रेवल 12 माइल्स डाउन स्ट्रीम इन अ सर्टेन रिवर इन 6 आवर्स लेस देन इट टेक्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। कहता है कि राहुल अगर अपनी यूजुअल स्पीड से तैरता रहे ना, तो वो 12 माइल की दूरी डाउन स्ट्रीम में तय करने में अपस्ट्रीम की अपेक्षा 6 घंटे कम लेगा। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन कहता है बट इफ ही कुड डबल हिज स्पीड, यानी कि
अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर दे, खुद की स्पीड को ही डबल करेगा वो, क्योंकि पानी की स्पीड तो डबल होने से रही, देन फॉर ए 24 माइल राउंड ट्रिप, राउंड का मतलब पहले ये 12 माइल जाएगा और फिर 12 माइल क्या आएगा वापस आएगा। इस ट्रिप में द डाउन स्ट्रीम 12 माइल्स, जो डाउन स्ट्रीम जाएगा ना ये 12 किलोमीटर मान लो इसको, 12 किलोमीटर, वुड देन टेक ओनली 1 आवर लेस देन द अपस्ट्रीम 12 माइल्स। यानी कि अब उसको डाउन स्ट्रीम 12 घंटे 12 किलोमीटर जाने में अपस्ट्रीम की अपेक्षा 1 घंटा कम लगेगा। वट इज द स्पीड ऑफ द करंट इन माइल्स पर आवर, इसको आप किलोमीटर ही मान के चलो, आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है यानी कि वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, पहले क्वेश्चन से मैं अगर फॉर्मूला मेरा लगाऊं, जो मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया था ना फोर्थ लेक्चर में, वो फॉर्मूला लगाएं, क्या फॉर्मूला होता है बताओ, डी इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 2y। यहाँ पे मैं नीचे y क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम टोटल नहीं है, ये क्या है डिफरेंस है, ठीक है, 6 घंटे कम या 6 घंटे ज़्यादा, जब भी डिफरेंस हो तो नीचे y लगाओ, और जब भी टोटल टाइम हो तो नीचे क्या लगाओ x लगाओ, ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। अब बताओ डिस्टेंस कितनी, 12। इसकी खुद की स्पीड कितनी है अपने को पता ही नहीं है, खुद की स्पीड एक्स मानते हैं और पानी की स्पीड अपने को निकालनी है, और अपॉन में क्या आ गया आपका 2y, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 24y। अब ये इक्वेशन देख के आपको याद आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन तो हम पहले सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। फिर कहता है अब अगर अपनी स्पीड डबल कर दे, मतलब एक्स की जगह कितनी हो जाएगी इसकी स्पीड 2x, डिस्टेंस तो कितनी है वही 12 है, तो ये कितना होगा बताओ, 2x का होल स्क्वेयर होएगा और माइनस में वाई स्क्वेयर और अपॉन में कितना 2y। लेकिन अब की बार जो ये डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस था ना, सॉरी मैंने मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, गलती कर दी, ये जो कितने घंटे कम लेती थी 6 घंटे, तो मैंने ये 6 नहीं लिखा ना यहाँ पे, तो कितना आएगा आपका 6 से डिवाइड कर देना इसको, ठीक है, 4y आ जाएगा। ये यहाँ पे कितने घंटे कम लेती है 1 घंटा, तो ये 1 ही आ जाएगा, तो यानी कि 4x² माइनस के वाई स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ गया 24y। पहली और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वाई की, y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों में से x को क्या कर दो खत्म कर दो। x को खत्म कैसे करेंगे, इसको 4 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, और आपस में क्या कर दो माइनस कर दो, ये माइनस करोगे तो देखो x वाली टर्म कटेगी, प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3 4 वाई स्क्वेयर माइनस के 3 वाई स्क्वेयर, यहाँ से कितना आएगा आपका बताओ माइनस के 8 वाई, वाई से वाई काट दो और माइनस से माइनस काट दो, तो 3 वाई इक्वल टू 8, वाई कितना आएगा आपका 8/3, यानी कि अपनी जो पानी की स्पीड है वो कितनी आ गई 8/3 किलोमीटर पर आवर। और ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, पहले हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये दो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है दोनों के दोनों, इसमें क्या कहता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसमें है द डिफरेंट बिटवीन, डिफरेंट नहीं है ये डिफरेंस है, ENCE लगा देना, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि धारा के दिशा में और धारा के विपरीत जो चाल है ना उनमें अंतर कितने का है आपका 2 किलोमीटर पर आवर का है, एंड टोटल टाइम टेकन कितना है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में 2 घंटे का है। व्हाट इज द अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड आपको बतानी है इफ द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम डिस्टेंस आर 2 किलोमीटर ईच। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ, ऐसे था ये ए और बी, इन दो प्लेस के बीच की दूरी कितनी है 2 किलोमीटर है, कहता है आप जाते हुए डाउन स्ट्रीम जाते हो मान लो, और आते हुए आप वापस आते हो किसमें अपस्ट्रीम में, ठीक है, यही तो होता है डायग्राम फॉर्मूला अपना, कि दोनों दोनों की स्पीड जो है ना आप में 2 का डिफरेंस है, अपस्ट्रीम की स्पीड को मान लो आपने क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो ये कितनी है फिर एक्स प्लस में 2 है, ठीक है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या ज्यादा है, तो कहता है इन दोनों में जो है ना टोटल टाइम लगा वो आपको 2 घंटे लगा, फॉर्मूला क्या होता था आपका बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और अपॉन में क्या होता है आपका 2x, यही तो होता था अपॉन में क्या होता है आपका 2x। लेकिन यहाँ पे आप बताओ मेरे को क्या ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पानी की स्पीड गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाओ कि टोटल टाइम जो आपका लगता है वो कितना लगेगा, टोटल टाइम आप कहोगे सर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आप गए धारा के अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब एक्स की स्पीड से, और 2 किलोमीटर आप गए धारा के दिशा में यानी कि एक्स प्लस 2 की स्पीड से, और टोटल टाइम आपको कितना लगा 2, ठीक है, तो ये मत लगाना, सॉरी मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन को, तो बिल्कुल ये तो बेसिक क्वेश्चन बन गया, एक्स की वैल्यू निकालनी है 2 से कैंसिल कर दो इसको, और एक्स इंटू एक्स प्लस 2 क्या ले लो आप एलसीएम ले लो, ठीक है, तो कितना आएगा आपका बताओ एक्स प्लस में 2 प्लस में एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 1, मैंने 2 कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x और इक्वल टू कितना आ गया आपका 2x प्लस में 2, 2x से 2x कट गया, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आएगी 2, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी √2, और आपको निकालनी क्या थी, व्हाट इज द अपस्ट्रीम स्पीड,
आपको अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है, और अपस्ट्रीम स्पीड को हमने क्या माना था, एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टू, रूट टू, सॉरी रूट टू किलोमीटर पर आवर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये मत समझना कि रूट टू आंसर नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया ताकि आंसर अजीब भी आ सकता है, ये भी आपको पता लगे। तो आपको घबराना नहीं है, कैलकुलेशन पे विश्वास रखो, कॉन्सेप्ट के ऊपर बने रहो, आंसर आपका आए ही आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 11 है। ठीक है, देयर आर थ्री पॉइंट्स ए बी सी इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट पॉइंट बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी, यानी कि बी जो पॉइंट है उसकी ए और सी से डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, ए बी और सी, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में इक्वल गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। फिर कहता है ए बोट कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स, यानी कि एक बोट जो है ना ए से लेके सी तक, ऐसे क्वेश्चन में बहुत करवा चुका हूँ आपको, ये डाउन स्ट्रीम गई कितने घंटों में, 12 आवर्स में। आप मेरे को बताओ अगर 12 आवर्स में गई है तो इतनी डिस्टेंस इसने 6 घंटों में कवर करी होगी, और ये डिस्टेंस भी इसने 6 घंटे में कवर करी होगी, नो डाउट। अब क्या कहता है, एंड फ्रॉम बी टू ए, अब ये बी से लेके ए आएगी, देखो ये अगर डाउन स्ट्रीम है तो इधर क्या है, फिर ये अपस्ट्रीम है, इस डिस्टेंस को इसने 8 घंटे में ट्रेवल किया है, यानी कि ये अपस्ट्रीम में कितने में किया है इसने, 8 घंटे में। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि एक्स और वाई का आपसे अनुपात पूछा गया कि शांत जल में जो पानी की जो नाव की चाल है और जो धारा की चाल है उसका अनुपात बताओ। आप मेरे को ये बता दो, यहाँ पे डी और यू का मैं रेशियो निकालूँ, टाइम का, मैं टाइम का अगर रेशियो निकालूँ तो आप कहोगे सर सेम डिस्टेंस को अगर डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करते हैं तो टाइम कितना लगता है, 6 घंटे, और अपस्ट्रीम में ट्रेवल करते हैं तो टाइम लगता है 8 घंटे, स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 8:6, यानी कि 4:3। अब आप मेरे को ये बता दो, जब आपके पास क्वेश्चन में टी और यू का रेशियो आ गया तो आप एक्स और वाई का भी निकाल सकते हो ना, कैसे निकालते हो एक्स और वाई का, इन दोनों को जोड़ के और इन दोनों को घटा के, तो कितना आ गया आपका, 7:1। और पिछले लेक्चर में ऐसे हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था ना, चाहे 2:2 से डिवाइड कर दो चाहे ना करो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, रेशियो, तो वो 2 और 2 कैंसिल हो जाना है, आंसर क्या आ गया आपका, 7:1। तो दोनों के दोनों अच्छे क्वेश्चन थे ये। अब देखो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और दोनों एक जैसे आपके जो है ना क्वेश्चन है, आसान तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये पढ़ो, इसमें क्या कहता है आपको, ए बोट टेक्स 25 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड कमिंग बैक टू ए पॉइंट सी मिड वे बिटवीन ए एंड बी। ये कहता है, मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, देखो क्या कहता है, कहता है ये ए और बी दो पॉइंट है, एक बोट जो है ना 25 घंटे लेती है टोटल ए से बी तक जाने में, पहले तो वो ए से बी क्या है गई, और गई कैसे, डाउन स्ट्रीम लिख रखा है क्वेश्चन में, ए से बी तक डाउन स्ट्रीम गई और फिर वापस आई एक पॉइंट सी तक, और सी क्या कहता है, बीच में स्थित है, बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि ये डिस्टेंस जितनी है ये भी उतनी है, ठीक है, और ऐसा अच्छा ये फिर अपस्ट्रीम आएगी ना, अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम आएगी, ऐसा करने में टोटल इसको 25 घंटे लगे हैं, और वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल, y की वैल्यू कितनी गिवन आपको, 5, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी x, x की वैल्यू कितनी गिवन है, 10, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, आपको बताना है कि a और b के बीच की डिस्टेंस कितनी है। मैं कहता हूँ ये x है और ये भी कितनी है, x, तो a और b के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2x, तो यानी कि ए बी कितनी होगी, 2x, आपको 2x की वैल्यू निकालनी है, और क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो आप मेरे को बताओ, यहाँ से t कितना आएगा आपका, 15, और u कितना आएगा आपका, 10-5 यानी कि 5, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया। आप कहते हैं इस 2x की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी, 15, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम ट्रेवल किया है, और x डिस्टेंस को किस में ट्रेवल किया है, अपस्ट्रीम में, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 5, टोटल टाइम कितना लगा इसको, 25 घंटे, तो बस क्वेश्चन खत्म। 15 LCM ले लो, 2x प्लस में 3x इक्वल टू 25, तो कितना आ गया आपका बताओ, 5x इक्वल टू 15 इंटू में 25, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, 5 और ये 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 75, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 75 यानी कि 150, तो a और b के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 150 किलोमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, देखो डायग्राम आप जैसे ही बना लोगे ना आपके दिमाग में क्लियर कट इमेज छप जाएगी क्वेश्चन की, कि इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है और पूछा क्या गया आपसे। अब ये क्वेश्चन अगर आपको कम समझ आया तो बिल्कुल एज इट इज देख लो साइड वाला क्वेश्चन, ये वाला, इसमें भी वही कहता है 26 घंटे लगते हैं ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड कमिंग बैक टू ए पॉइंट सी मिड वे बिटवीन ए एंड बी, यानी कि पहले ए से लेके बी तक ये पर्सन गया डाउन स्ट्रीम में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब कुछ,
डाउन स्ट्रीम, और फिर बी से लेके सी जो कि इसका मिड पॉइंट है वापस आया, और ऐसा करने में टोटल ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको 26 घंटे लगे। स्ट्रीम की स्पीड यानी कि वाई की वैल्यू कितनी गिवन है 4, और बोट की स्टिल वाटर में स्पीड यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है 10। तो आप मेरे को बता दो यहाँ से डी कितना आ गया 14, और यू कितना आएगा 10 में से 4 गया 6। तो इस डिस्टेंस को एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, आपको ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ए बी कितनी होगी बताओ 2x, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है बस। अब देखो ये 2x डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी डाउन स्ट्रीम की स्पीड से यानी कि 14 की स्पीड से, फिर एक्स डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी अपस्ट्रीम की स्पीड से यानी कि 6 की स्पीड से, और ऐसा करने में इसको टोटल टाइम कितना लगा 26 आवर्स। तो मेरे को बताओ कितनी आसानी से हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स की। एलसीएम आ गया कितना 42, तो ये कितना आएगा 6x प्लस में 7x इक्वल टू 26, ये कितना आ गया 13x, 13x इक्वल टू 42 इंटू में 26, ये दो पे कटेगा यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 84 आ गई। एक्स की वैल्यू अगर 84 आ गई तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 168 किलोमीटर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 168 किलोमीटर। तो दो क्वेश्चन थे सेम, बिल्कुल मैंने आपको दोनों करवा दिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, 10-12 हमने मिसलेनियस क्वेश्चन करे अच्छे। अब इसके बाद मैं एक और लेक्चर आप कर लूँगा बोट एंड स्ट्रीम में, उसके अंदर इसी तरह के थोड़े मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। और जो बच्चे स्पेशली बैंक की तैयारी कर रहे हैं, CDS की तैयारी कर रहे हैं, CGL मेंस की तैयारी कर रहे हैं या कैट की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर को देखें। जो बेसिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन चारों एग्जाम को छोड़ के, उनके लिए वो लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन होंगे उन सभी का लेवल जो है ना वो अच्छा होने वाला है, ठीक है। टफ लेवल होगा इन सभी लेक्चर्स की अपेक्षा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।